जीआईएस के ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने उपभोक्तावादी संस्कृति को पढ़ रखा था, इसके दो वीडियो हमने पढ़ लिए हैं और किस प्रकार से उपभोक्ता अपने विवेक का सही इस्तेमाल न करते हुए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में फंस गया है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। और अब इस विषय की गंभीर पक्ष की चर्चा करेंगे। देखिए, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं कि उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में हो क्यों रहा है, अर्थात भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति क्यों पनप रही है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। अब सामंती संस्कृति का मतलब है राजा महाराजा की संस्कृति के, या लोग अपने आप को वीआईपी दिखाने की संस्कृति के, ये भारत में पहले भी रहे हैं, कोई आज अनोखी बात नहीं है, अर्थात अंग्रेजों के ज़माने में भी रहे हैं। उसके बाद उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, पहले अंग्रेज मान लेते हैं, राजा महाराजा मान लेते हैं सामंत, आज मल्टीनेशनल कंपनीज सामंती संस्कृति का प्रतीक है। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर श्यामा चरण दुबे जी ने कही है कि हम सांस्कृतिक अस्मिता मतलब प्रतिष्ठा, संस्कृति की इज्जत की बात, हम भारतीय संस्कृति की इज्जत की बात हम चाहे जितनी करें, मगर एक काम तो हुआ है और वो क्या, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। परंपराओं का मतलब हमारी ट्रेडिशनल बातें, जैसे एक गुरु के प्रति शिष्य का क्या फर्ज है, एक माता पिता के प्रति बेटे बेटी का क्या फर्ज है, समाज के प्रति क्या फर्ज है, बड़े बुजुर्ग के प्रति एक छोटे व्यक्ति का उम्र में क्या फर्ज है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आज धीरे धीरे नीचे आई हैं। और समाज जहाँ एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा में इतना आगे बढ़ गए हैं, हमारी नैतिकता में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, हमारी आस्था थी पेड़ पौधों के प्रति, नदियों के प्रति, समुद्रों के प्रति, सूर्य के प्रति, चंद्रमा के प्रति, आज कहाँ बची है। सभी प्रकार की आस्थाओं का क्षरण हुआ है, कमजोर हुई है। और कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, हम बुद्धि से गुलाम बन चुके हैं, ये कड़वा सच है। अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं आप, डॉक्टर ये कहता है कि कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, हैं, और इसके अलावा पिज्जा बर्गर से दूर रहें, मगर हम धीरे धीरे उनके बारे में नहीं सोचकर और अपनी गुलामी को बढ़ा रहे हैं और वही चीज़ें हम धीरे धीरे अपना रहे हैं और धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति बौद्धिक रूप से गुलाम बन चुका है। हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं धीरे धीरे। हम आज अपने मोबाइल के नाम पर, कंप्यूटर के नाम पर, लाइट्स के नाम पर और गाड़ियों के नाम पर धीरे धीरे हम सभी चीज़ें किसकी अपना रहे हैं, पश्चिम की सभी चीज़ें अपना रहे हैं और धीरे धीरे पश्चिमी देश हम पर हावी होते जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत क्यों आया ये वर्ड, इसलिए आया कि भारत के लोग आज सांस्कृतिक उपनिवेश पश्चिम के बनते जा रहे हैं, जो कि गलत है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, नकल की संस्कृति है। पड़ोसी गाड़ी लाया है, हम भी ले आए। पड़ोसी बढ़िया जूते लाया है, हम भी ले आए। आप अपनी क्लास में बातचीत करते हैं कि मेरा मित्र है वो एडिडास के जूते लेकर आया, मैं भी लेकर आऊँगा। वो इस कंपनी की टी शर्ट लेकर आया, मैं भी लेकर आऊँगा। क्या ये नकल की संस्कृति? तब तक, जब तक नकल की संस्कृति रहेगी, तब तक भारत का विकास या आत्मनिर्भर भारत का नारा एकदम कल्पना मात्र रहेगा या एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। छद्म का मतलब है झूठी आधुनिकता की ओर। जो कुछ अपना है, अपने कपड़े थे, अपना रहन सहन था, अपना खान पान था, अपनी संस्कृति थी, अपनी परंपराएं थी, अपने आचरण थे, अपने आचार विचार थे, वो तो हमने छोड़ दिए और नमस्कार की जगह हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहना शुरू कर दिया और नमस्कार हाथ जोड़ करने के बजाय हमने हाथ मिलाना शुरू कर दिया और गले लेकर गले लगने के बजाय और हमने कुछ पश्चिम की तरह और अर्थात एक ऑनलाइन क्लासेज में कह नहीं सकते किस प्रकार हमने बेहूदी हरकतों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। लेकर क्या कह रहा है कि हम इस छद्म संस्कृति के धीरे धीरे शिकार होते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण
हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, अर्थात हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमारी दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं बचा है, हमारा समाज या आज अन्य निर्देशक द्वारा है, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी, अर्थात विज्ञापनों में जादू की शक्ति है और वे अपने आप को आज हमें वश में किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जब टूथपेस्ट से और अपने दांत साफ करता है तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, कोलगेट कर रहा है क्या, अर्थात चाहे वो पेप्सोडेंट कर रहा हो, चाहे वो दंत कांति कर रहा हो, चाहे वो बबूल कर रहा हो, लेकिन कोलगेट ने हमारे दिमाग में कितना सम्मोहन जगा दिया, जादू जगा दिया कि कोई सा भी टूथपेस्ट करे हर व्यक्ति मानसिकता में क्या हो गया, कोलगेट कर रहा है। तो कहने का मतलब कोलगेट का प्रचार अपने आप हो गया, तो ये क्या है, वशीकरण की शक्ति है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज का निकलना जरूर है। अगर ये संस्कृति इसी तरीके से फैलती गई तो ये क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। मैं नहीं कह रहा, श्यामाचरण दुबे कह रहे हैं कि जीवन की क्वालिटी, लंबी उम्र, स्वस्थ उम्र, दीर्घायु होना आलू के चिप्स पर डिपेंड नहीं होता है। आप चिप्स खाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं 100 साल जी लूंगा, स्वस्थ रहूंगा, और नहीं बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक से और चिप्स से जिंदगी नहीं बनती है, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर बिकते हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वो मात्र और मात्र क्या है, कूड़ा खाद्य है। लेकिन क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये सोच लें कि ये अपने नाम के आगे भारतीय लगाता है तो भारतीय बात करता होगा, और ये कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ हो गया, पेप्सी, कोलगेट और इसके अलावा कोका कोला के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, मैं लेखक श्यामाचरण दुबे के अनुसार बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, कितने ही मॉडर्न हो, वे लेखक की नजर में क्या है, कूड़ा कचरा है। अब आप खाओ तो खाओ, अर्थात लेखक का काम करने का बहुविज्ञापित शीतल पेय क्या है, कूड़ा कचरा है। आलू की चिप्स क्या है, कूड़ा कचरा है, और पिज्जा बर्गर क्या है, कूड़ा कचरा है। अब आप खा सकते हैं आराम से। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, अर्थात समाज कई वर्गों में डिवाइड हो गया है। सामाजिक सरोकारों में कमी आने का मतलब है आज समाज से हम इतना कट गए हैं। शादी विवाह में जब एक जगह होते हैं तो हम अपने गांव के 15 व्यक्तियों को नहीं जानते, और कहने के नाम पर क्या कहते हैं, यार मैं गांव में रहता नहीं हूं, और मैं तो 10 साल से आया हूं, 2 साल से आया हूं, 3 साल से आया हूं, और क्या ये मेरा चाचा लगता है, क्या ये मेरा दादा लगता है। ये क्या है, सामाजिक सरोकारों में धीरे धीरे कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर है किसको जन्म देगा, आक्रोश और अशांति को। आज प्रत्येक व्यक्ति में गुस्सा है, क्रोध है, तनाव है, वह अशांत है, और इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति को यह सब कुछ दिया है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे वैसे वैसे क्या होगा, सामाजिक अशांति बढ़ेगी, लोगों के बीच में अशांति बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का तो ह्रास हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। कितनी बड़ी बात कही है कि हम श्री राम, श्री कृष्ण, जिनको जो हमारे आइडियल होने चाहिए, उनसे तो गए, अर्थात हमारा कोई आदर्श नहीं बचा, कोई मान सम्मान नहीं बचा, इज्जत नहीं बची, शिक्षा नहीं बची, कुछ नहीं बचा, बावजूद इसके। और कह रहा है कि लक्ष्य भ्रम, हमारा कोई टारगेट नहीं है। आज हमारा टारगेट क्या है, आप पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या बड़ी कंपनी का कोई सीईओ बनना, यह आपका टारगेट है। आपका टारगेट ये कतई नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, पढ़कर मैं समाज को कुछ दूं, मैं देश की कुछ सेवा करूं। ये टारगेट कौन पता नहीं कर पा रही है, वर्तमान शिक्षा किसके अंतर्गत है, उपभोक्तावाद की संस्कृति के अंदर। बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े भवन बनाओगे तो बच्चे आएंगे, अच्छी अच्छी बसेज लगाओगे तो बच्चे आएंगे, और बच्चों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दोगे तो ये सब आपका प्रचार होगा। इससे होगा क्या, दिखावा तो फैलेगा, सामाजिक अशांति फैलेगी, सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होगा, हमें हमारे टारगेट से भ्रमित हो जाएंगे, और होगा क्या, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। अर्थात भारत 70-72 साल में कहां से कहां तक जाना चाहिए, वो उन उद्देश्यों में हम धीरे धीरे क्या है, पीछे चले गए हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। तात्कालिक का मतलब तुरंत हमें प्रभाव चाहिए, तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए। अब तुरंत रिजल्ट मिलेगा तो क्या होगा,
एक थोड़े समय के लिए, सीमित समय के लिए हमें झूठी संतुष्टि मिल जाएगी। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। आज परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। हर व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति केंद्रितता मतलब व्यक्ति अपने तक सीमित होना, हर व्यक्ति अपने तक सीमित हो गया है और इसका रिजल्ट क्या निकला? स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। घर में एक एसी है और रुपए और पड़े एक दूसरे लगा लो, 2-3 प्लाट तो हैं और प्लाटों के बाद 5 साल बाद में बहुत जमीन आसमान को छुएंगे, तो 2-4 और खरीद लो। ये क्या है, कौन सी है? भोग की आकांक्षाएं। अर्थात व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस दुनिया पर कोई 1000 साल के लिए आया हूं और जितना कुछ कर लूं उतना ही कर लूं, चाहे गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ती जाए। ये भोग की आकांक्षा धीरे धीरे क्या हो रही है? आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? ये चिंता लेखक को है कि ये दौड़ आखिरकार, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ये दौड़ आखिरकार रुकेगी कहां? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर विदेशों से आपको कोई अच्छी चीज मिले तो स्वीकार करो, खिड़की खोल दो अच्छी चीज के लिए, मगर बुरी चीजें मिले तो खिड़की बंद कर दो, मगर आप अपनी नींव कमजोर मत होने दो, भारत की नींव कमजोर मत होने दो। बुनियाद का मतलब नींव। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी सामाजिक नींव को हिलाकर रख दिया है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये उपभोक्तावादी संस्कृति इसी तरीके से बढ़ती गई तो इसका रिजल्ट बहुत ही नकारात्मक निकल भी रहा है और निकलेगा भी। ये उपभोक्तावादी संस्कृति का ही परिणाम है कि आज आप घर पर बैठे हैं और मैं इधर कैमरे पर पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर देश ने, जिसका नाम लेने में मुझे शर्म नहीं आती है, चीन ने एक वायरस बनाया आर्टिफिशियल कि वो पूरी विश्व में फैलेगा तो मेरा व्यापार बढ़ेगा। और ये क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति है। मैं मेरी चीजें बेचूंगा और मेरे देश के लोग अच्छा कमाएंगे और सभी देशों की संस्कृतियां, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। ये कौन सी संस्कृति है? उपभोक्तावादी संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति जब फैलेगी तो विश्व के विकास के जो विराट देश हैं वो क्या हो जाएंगे? पीछे छूट जाएंगे। आज आप घर बैठे हैं किस कारण? उपभोक्तावाद की अंधी संस्कृति के कारण। मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी आंखें भी खराब हो रही हैं, इंटरनेट का डाटा भी जा रहा है, इंटरनेट हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, सब काम है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या हम शांत नहीं बैठे रह सकते, या आप अगर 4-5 महीने बाद स्कूल आएंगे, 4-5 महीने बाद पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। इसलिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। उपभोक्तावादी संस्कृति इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही तो भविष्य के लिए लेखक की नज़र में क्या है? बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। उम्मीद करता हूँ ये पाठ अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। और अगर किसी कहीं भी कोई भी शंका हो तो आप डाउट में आकर अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।